2007 का ओपनिंग वाला कहना चाहेंगे, वुमेन एंटरप्रेन्योर एक अचीवर है, तो व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? तो सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत मुबारकबाद एंड कॉन्ग्रेचुलेशन ऊपर वाला तरह आप सबकी क्या कहते हैं अब खूबसूरती का जिम्मा जो है आपके सर पर आ गया है, सबको खूबसूरत बनाना है. और चूंकि थोड़ा बहुत मैं भी कभी कभी ऐसा बन जाता हूँ तो मैं भी आया करूँगा. अब तो बनाने की जरूरत ही नहीं है उस गेटअप के लिए. वो गेटअप के लिए, वो गेटअप के लिए कभी कभी मैं आपके पास भी आया. डेफिनेटली बहन मैं आया करूंगा आपके पास. मैम आपसे जानना चाहूंगा, अली सरवना द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड फेस है, सबसे नामी गामी चेहरा है इंडस्ट्री का, क्या कहना चाहेंगे आप? कितनी खुशी आपको मिल रही है, कितना प्राउड फील कर रही हैं आप? मुझे तो मैं क्या बताऊं, मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रही. मैं बहुत दिन से बेसब्री से इंतजार कर रही थी. मेरा भाई है, दोनों को मैंने बहुत दिन से बोला, मैंने जो एटलीस्ट एक बार तो आली सर से मिला दूँ एक बार से मिला दूँ मुझे. एंड नेचुरल ग्लो, मतलब आजकल बहुत कम दिखता है विदाउट मेकअप. देखो हमारे सामने लॉकडाउन की वजह से सर ये घर बैठे बैठे जैसा मैम ने कहा, ये यंगनेस जो है काफ़ी कम लोग यंग रह पाते हैं एक सेकंड के बाद. वो अगर राज खोल सके कि क्या राज है? नहीं मालूम सर, ये ऑनेस्टली जेनेटिक है. ये इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये सब मेरे माँ बाप की वजह से. एंड बस ये है कि मस्ती करते रहते हैं, खुश रहते हैं, सबको खुश करने की कोशिश करते हैं. मेरे ख्याल से उसी की वजह से है ये. और अपने आप को कभी एक है ना जो सब कहते हैं कि उम्र हो गई है, बुढ़े हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, वैसे सोचने का नहीं. एग्जैक्टली exactly. ये भी कहना चाहूँगा, सिर्फ ये बिजनेस नहीं, स्पोर्ट्स को भी काफ़ी ज़्यादा ये सपोर्ट करती हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करती हैं. कितना खुशी की बात है कि एक औरत हो के बिजनेस करती हैं, सपोर्ट करती हैं. अरे वाह, नहीं मुझे ये नहीं पता था. वेरी गुड. क्या क्या हो बहन, क्या-क्या करती है आप? नहीं एक्चुअली मेरा माइंड ही थोड़ा क्रिएटिव माइंड है. वेरी गुड यार, वेरी गुड. समथिंग कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में चलते रहता है. तो दो दिन से मैं मतलब ये रेडी करने में, सैलून रेडी करने में थोड़ा मतलब बहुत पजल हो गए थे. अल्टीमेटली एक जगह पे अभी तक रुका है, मतलब खड़ा नहीं हुआ अभी तक. अब एक जगह पे रुका के रखा है अभी तक बस. नहीं अब आप, क्योंकि ये आपका ही है, आप ओनर है इसके, तो डेफिनेटली एवरी डे बोलते हैं ना, हर वक्त आपको आपके जहन में यही आता रहेगा, अब मैं इसमें और क्या क्या डाल सकती हूँ, इसमें और क्या अच्छा कर सकती हूँ, विच इज़ वेरी गुड. ये सबसे बड़ी बात है कि तरक्की करने की या कुछ क्रिएटिव करने की जो भूख है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होने देना. वो दैट विल मेक यू ग्रो. एक बार अगर आप सोचेंगे अब तो दुकान खोल दिए मैंने, अब क्या है, अब तो नहीं, नहीं, तो उसमें हर फील्ड में, वो चाहे एज एन एक्टर हो या डायरेक्शन हो या कोई भी फील्ड में, ये एक जो भूख रहती है ना उस चीज़ को, उस मुझे ये करना है, मुझे exactly, करना है, अभी ये करना है, अभी भी बाकी है, आई हैव रीच्ड, वैसे वाला नहीं. वो दैट विल मेक यू मुझे कोई क्रिएटिव सलाह देता है ना, आई एम वेरी हैप्पी. ये चीज मिला मुझे समथिंग, मतलब बहुत कुछ मिल गया मुझे. अली सर ये भी जानना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात है कि कपिल शर्मा शो की ऑफर होने की न्यूज़ आ रही है, उसके बारे में कितनी मतलब दुखद बात है, क्या कहना चाहेंगे? आर यू फीलिंग समथिंग? नहीं, डेफिनेटली दे आर टेकिंग अ ब्रेक. जो जो मैंने सुना है कि वो एक ब्रेक ले रहे हैं एंड सेकेंड बेबी इज एक्सपेक्टिंग, जल्दी गुड न्यूज़ आने वाली है. फैमिली मैटर है वो है, उसके लिए ब्रेक ले रहे हैं. वो ऐसा शो है, ये कभी ऑफ एयर नहीं हो सकता है, ये एक ब्रेक ले सकते हैं बस. पर सेकंड टाइम जब शुरुआत हुई इसके, तो कितना ज़्यादा आपको लगा कि इतनी सक्सेसफुल हुआ है ये शो? सक्सेसफुल शो 100% सक्सेसफुल. टू मच. हाँ सक्सेसफुल. मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप भी फॉलो करती होंगी और क्या करती होंगी शो के बारे में, अली सर के बारे में जो कैरेक्टर प्ले करते हैं, कितना एंटरटेनिंग होता है? मैं आप पूछोगी तो मतलब मैं तो बोल नहीं पाऊँगी, लेकिन एवरी डे अगर मिस हो जाता है ना, हम गाड़ी में बैठे ट्रेवल करते करते तो देख लेते यूट्यूब में. और बेसिकली दादी आ जाती है, जब भी जैसे दादी आ गई अभी तो चल झूठी सर, वो मतलब एक रेडी रहते हैं हम, कभी दादी का एंट्री होगा, कभी दादी का एंट्री होगा, तो स्माइल मतलब हंसने के लिए और एक बहाना चाहिए ले रहते हैं हमको, है ना. जब गाड़ी में भी हंस लेते हम, दादी का जैसे एंट्री होता है, अरे वाह आ गई, यही बस अभी हो गया. वो देखो यूं कर रहा है आफ्टर शिप लगा के रेडी बैठा है, सर लग रहा है कुछ मिलेगा. सर लाइफ कमिंग टू नॉर्मल, कल से लोकल ट्रेन जनरल पब्लिक के लिए चालू हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? कितना ज्यादा क्या मतलब एक्सपीरियंस किया आपने पिछले एक साल में या 10 महीने में जो भी कहें? ये एक रियलिटी चेक था हम सबके लिए ऑनेस्टली. एक कहते ना कि
हर चीज़ का एक करेक्शन आता है और ये कुदरत की तरफ से एक करेक्शन था जहाँ पे सबके लिए एक था कि स्लो डाउन, ज़रा एनालाइज करो आप क्या कर रहे हो, वो सही है नहीं है, फैमिली गेट टुगेदर हो गया, वैल्यू ऑफ लाइफ हो गई सर, हम सब भाग रहे थे सब एक कुछ ना कुछ पाने के लिए एक दौड़ मची हुई थी, वो एक स्लो डाउन हो गया डेफिनेटली। हाँ, इससे बहुतों के क्या कहते हैं, जितना नुकसान हो उतना फायदा भी, हाँ फायदा भी और वाइस वर्सा, फायदा भी हुआ नुकसान भी हुआ, लेकिन आई थिंक सो तो डेफिनेटली बहुत जन का हुआ, सबका हुआ नुकसान, पर एक उस पे बहुत भरोसा है, मालिक पे बहुत भरोसा है, वो कभी किसी का बुरा नहीं होने देंगे, यहाँ से कुछ लेंगे तो वहाँ से जरूर कुछ देंगे, तो ये एक करेक्शन है जो अभी क्या है ना, इंसानियत के लिए पैसों की वैल्यू, हर चीज की आदमी जो है ना वो वैल्यू करके जिएगा। सर पैसों की बात की आपने, महंगाई कितनी हो गई है, कल बजट अनाउंस होने वाला है, तो क्या उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, किस तरह का बजट होना चाहिए खासकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें? एंटरटेनमेंट के बारे में तो मैं अभी नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि अभी मैं मेरी बहन के स्पा में और सैलून में बैठा हूँ, तो मैं यही कहूँगा प्लीज यहाँ पे जितना डिस्काउंट दे सकते हैं आप दीजिएगा, टैक्स मत लेना मेरी बहन से, एंड GST तो बिल्कुल मत लगाना, एटलीस्ट 2-3 साल जब तक पैसा वसूल हो जाए। सर लास्टली ये जानना चाहूँगा, कि आज के ज़माने में हर जगह OTT प्लेटफॉर्म का काफ़ी जिक्र हो रहा है, क्या मानते हैं कुछ एक्ट्रेसेस के मतलब कह सकते हैं सपोर्ट में भी नहीं है, क्योंकि एक OTT एक्टर कहना मतलब फ्यूचर में एक जो फिल्मी पर्दे पर देखता है एक्टर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप सर? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, आप अच्छे हो तो आपको डेफिनेटली हर जगह यूज़ किया जाएगा। अच्छा छोटा पर्दा हो, पहले ये था कि बड़े बड़े स्टार्स जो थे वो कहते थे कि टेलीविजन स्मॉल इडियट बॉक्स कहते थे, ये कहते थे, उसके बाद आज देखिए मैक्सिमम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो है वो टेलीविजन कर रहे हैं। सर एंड ऑफ द डे ऑडियंस जिसको पसंद करेगी वही पर्दे पे आएगा, चाहे वो छोटा पर्दा हो, OTT प्लेटफॉर्म हो या बिग स्क्रीन हो, ऑडियंस माय बाप। एग्जैक्टली, आई बिलीव आल्सो लाइक दिस सर। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, मेरी बहन है ये और इन्होंने बहुत मेहनत की है, और अली सर के बारे में तो जितना बोलें उतना कम है, क्योंकि बहुत ही अच्छे इंसान हैं वो और आर्टिस्ट हैं, और हम लोग बहुत सीखते हैं उनको देख करके, और आज वो यहाँ आए तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ये नया जो वेंचर किया है स्पा सलून और हेयर कट एवरीथिंग जो भी आप देख रहे हैं, मतलब जो भी स्मार्टनेस के लिए चाहिए, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, तो हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है, और ये बड़ी खूबसूरती से लोगों को खूबसूरत बनाती हैं। आई थिंक मेरा भी कल आपने किया थोड़ा थ्रेडिंग बाकी है मैम प्लीज आप बोलिए, इंट्रोड्यूस कीजिए, बताइए। मैं अनुष्टी दत्ता हूँ एंड मैं मॉडल एंड एक्ट्रेस हूँ। आज काकुली दी की पार्लर में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बताना चाहती हूँ, आफ्टर ऑल मैं रेगुलर कस्टमर बन चुकी हूँ, मैं अभी विजिट करने ज़रूर आऊँगी, और आप लोगों को बोलना चाहूँगी आप लोग भी आइए देखिए कैसा एक्सपीरियंस है। अभी थोड़ी सी महंगाई है आपको तो पता है, पेट्रोल भी बढ़ गया है, तो एक महीने के लिए पेडिक्योर पे मैनिक्योर फ्री देना। पेट्रोल बढ़ गया तो पहले भी हजार करवाता था, आज भी हजार करवाता हूँ। सपोर्ट करते हैं काकाली मैम को हर वेंचर में, स्पोर्ट्स से लेकर इस बिजनेस से, क्या कहना चाहेंगे, कितना अच्छा स्टेप है इनके लिए, एक वुमन हो के एंटरप्रेन्योरशिप से लेकर स्पोर्ट्स तक को प्रमोट करनी है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये बोलना चाहूँगा कि काकू जी एक प्योर बिजनेसमैन नहीं है, वो सोशल वर्कर भी मैं बोलूँगा कि है, वो क्रिकेट के मैच भी कराती है, अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए भी बहुत काम करती है, और साथ साथ में एक अकेले, मतलब इनके फैमिली तो है ही, लेकिन जो अकेली सिंगल हैंडेड लेडी पूरा इस एरिया के अंदर ब्यूटी पार्लर चलाना, और इन्होंने बड़े बड़े इनके शो किए हैं जैसे सारा होटल में, बाद में दा क्लब में, इनमें रैम पे, और काफ़ी इन्होंने मॉडल वगैरह किए, तो ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है कि एक सिंगल हैंडेड वुमेन ये सब हैंडल कर लेते, तो मुझे बहुत खुशी होती कि वो एक। और अली सर वरना तो ग्रेटेस्ट एंटरटेनर्स इंडस्ट्री में, उनके बारे में बताइए क्या करना चाहेंगे, अपना बहुमूल्य समय दिया और आए यहाँ पे, उनके बारे में ये यही बोलूँगा कि उनके शो हम हमेशा देखते आए हैं, अभी उनको काफ़ी मिस कर रहे हैं, तो जल्दी उम्मीद है कि नए नए शो में उनको देखेंगे। चीयर्स। थैंक्स सर। काफ़ी लोग आए आपकी ओपनिंग में, क्या कहना चाहेंगे?
बोल, तुम काफी लोग आए हैं ओपनिंग में, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, सबके आशीर्वाद, सबके प्यार हमारे साथ है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि अकेले तो जी नहीं सकते इंसान कभी भी, सब लोग सब तक जब तक साथ में आते नहीं है तो मज़ा ही नहीं आता है। आई बेसिकली आई नीड ऑलवेज द जॉइंट फैमिली, मुझे बहुत अच्छा लगता है जॉइंट फैमिली। सो सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगी सर की, सर आप पूछो मत, मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कोई भी इवेंट हो हमारे, कोई भी हमारे केवी के एंटरटेनमेंट, हमारा खुद का कंपनी है हमारा, एंड हमारे ये सैलून है कैक सैलून एंड स्पा, आज हमारे छोटे से भी छोटे इवेंट में सबसे पहले मेरे साथ अगर कोई खड़े रहे तो वो है अनिल सर। और मतलब एक फ़ोन सर, कहाँ भी रहे सर, सबसे पहले आ जाते हमें आशीर्वाद देने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। सो मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ आपकी, क्योंकि सर की आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। इतनी शुभकामनाएं आपकी। शुभकामनाएं क्या, हमारी तो तहे दिल से शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ रहती है, चाहे वो कोई भी प्लान करे, कोई भी प्रोग्राम करे, एज ए वो वुमन इंटरप्रेनर कोई भी काम करती, तो मैं उनको हमेशा अच्छी सलाह देने की ट्राई करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस हो। और चाहे उनके सोशल काज हो, इन्होंने बड़े बड़े इवेंट किए हैं जिसमें काफ़ी कुछ उन्होंने बोला था कि हमको भी बॉलीवुड के सेलिब्रिटी या जो आपकी फिल्मों में इतने काम करते हैं, तो मैंने उनको भी इनसे मिलाया, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे इनके लिए एज ए ऑनरेरियम बेसिस पे काम किया है, क्योंकि इनके ये सोशल कॉज भी करती है, चाहे इन्होंने क्रिकेट के मैच कराए, वो सब कराए। तो मैं इनके इसलिए नहीं कि एक ये मेकअप आर्टिस्ट तो अच्छी है ही, एक अच्छी इंसान है, इसलिए भी मैं इनका साथ देता हूँ हमेशा। लॉकडाउन जब ये ख़त्म हुआ कोरोना कोविड का, तो उसके बाद में क्या कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ उसके बारे में? वो तो तुम लोग इतने हमेशा इंटरव्यू मेरे ले चुके हो, कई सेट पे मेरे से ले चुके हो, तो अभी आज इनके सैलून के बारे में बात करूंगा कि ये जो सैलून भी इन्होंने खोला है, मैं तो खैर फर्स्ट टाइम आज देखने आया हूँ, कोविड के बाद इतना बाहर नहीं निकलते हैं, तो जो इन्होंने सैलून बनाया है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का तो बनाया ही है। एक एम्बियंस अच्छा होने से अच्छा नहीं होता है, उसके साथ में जो ये सामान जो मैं देख रही हूँ यूज कर रही है वो भी सब अच्छी हाई क्वालिटी के है, और ये तो अच्छी अदाकारा मतलब आर्टिस्ट है ही, मेकअप और से सभी, तो मेरे को लगता है कि ये सैलून काफ़ी अच्छा चलेगा। मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे कि अभी पूरी तरह से कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, पर ऐसे टाइम पे आपने इतना ब्यूटीफुल और इतना अच्छा सैलून स्टार्टअप किया है, कोरोना के इस 7-8 महीने से सब कुछ बंद चल रहा है, उसके बावजूद आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया वापस, तो आपको आपको क्या डिफ़िकल्टीज फेस हुई कि आज आप सैलून ओपन कर पाई हैं? बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत ही डिफ़िकल्ट हुआ, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि पहले जितनी अवेलेबिलिटी थी, जैसे वर्कर, कारपेंटर, सब बहुत मतलब इजीली मिल जाता था, अभी वो चीज़ बिल्कुल नहीं मिला। सो एक चीज़ करने के मिलो मतलब एक चीज़ करने के पीछे मेरे को 10 डेज टाइम चले गए, मतलब एक कारपेंटर के काम ख़त्म करने के 10 डेज चले गए, फिर वॉल फिटिंग करने के लिए 5 डेज चले गए, इसमें मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ। पहले जैसे इकट्ठा सब वर्कर मिल जाता था, तो बहुत सारे वर्कर को जो पुराने वर्कर्स कॉल किया तो सब गाँव चले गए, कोई नहीं आ रहे। सो बहुत डिफ़िकल्ट हुआ इस बार सैलून सेट करने में, क्योंकि इस वजह से, लॉकडाउन की वजह से इस बार हम इवेंट के लिए कुछ सोच ही नहीं रहे, प्लान ही नहीं किया अभी तक। तो आई थिंक होप सो अप्रैल के बाद अगर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएंगे, फिर उसके बाद इवेंट के लिए मैं कुछ सोचूंगी। हाय, आई एम आशा फ्रेड, आई एम अ मॉडल एंड एन एक्टर, और आई जस्ट केम हेयर टू गिव अ विशेस। बहुत ही प्यारा सैलून है, लाइक एंटर होते ही जो वाइब्स आती है ना, एक पॉजिटिव वाइब्स, वो एंड बीइंग अ फीमेल यू नो हु डजंट लव मेकअप, तो बोलते हैं ना आई गेट द कॉन्फिडेंस यू नो व्हेन आई डू दैट मेकअप, तो वो मेकअप गिव्स मी दैट कॉन्फिडेंस। ये एक बहुत ही फेमस टायरा बैंक्स का स्टेटमेंट था, तो एंड यू नो मेकअप आर्टिस्ट साथ खड़ी हैं, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है मेकअप के बाद फीमेल का, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। एंड यहाँ पे भी आके मुझे एक होता है कि जब वेन यू एंटर सम प्लेस, तो आपको दिखता है कि वहाँ की वाइब्स कैसी हैं। मैंने आके सबसे पहले यही बोला कि बहुत ही प्यारा लग रहा है, क्योंकि जब आप किसी जगह जाते हैं तो आपको वो फील आना चाहिए, तो बहुत अच्छा है, बहुत वाइब्रेंट है, एंड आई लव दिस ऑरा, बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल द बेस्ट विशेज। आपने बहुत मेहनत करी है, हमें पता नहीं था कि आपको इतनी परेशानी हुई, आपने अभी बताया कि कितनी परेशानियों के बाद भी यू नो यू मेड इट सो ब्यूटीफुल, सो ऑल द बेस्ट विशेज टू यू, एंड यू नो यू अभी वी वुड लाइक टू ग्रो यू, यू नो और भी आप बनाओ, और भी जगह बनाओ आप मुंबई में। डेफिनेटली डेफिनेटली, एज आई टोल्ड यू लाइक यू नो मेकअप और फीमेल का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, सो इट्स लाइक दैट। या या मेरे आई विल बी डूइंग वन शो, अभी एक शो पे बात चल रही है, ट्रैवल शो होने वाला है, सो आई एम डूइंग दैट,
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और बहुत सारी चीज़ों की बात चल रही है, लेट्स सी. बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी सिस्टर को कि दिन दूनी रात चौगनी ये करें, और इतना खूबसूरत इन्होंने बनाया है इस सैलून को कि हर कोई यहाँ आना चाहेगा और खूबसूरत बनना चाहेगा, क्योंकि ये खूबसूरत बनाने में बहुत माहिर हैं. तो आप सबसे मैं बोलूँगा कि आप भी आइए, खूबसूरत बनिए. कैक्स इज द रॉक, कैक्स इज द बैक. बहुत बहुत शुभकामनाएं. बिग बॉस इज माय ब्रदर, इज माय वेरी गुड फ्रेंड, एंड सैलून इतना खूबसूरत बना है, सब लोग बोल रहे हैं, तो हाफ ऑफ द क्रेडिट मेरे भाई को भी जाता है. मेरा दूसरा भाई भी है, इज माय ब्रदर इज सैलून. ठीक लगाओ. ये दोनों मेरा भाई है. इन्होंने बहुत मेहनत किया, दोनों भाई ने मेरा मतलब बहुत साथ दिया मेरा सैलून बनाने में. एंड वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड माय हस्बैंड. वेलकम. कमिंग कमिंग. इतनी उम्मीद थी आपको कोविड के बाद में, इतने सारे गेस्ट वगैरह. थोड़ा रनिंग कर लो. उम्मीद तो थी एक्चुअली, बट उम्मीद बीच में डूब गए थे हमारे, लेकिन फिर उसके बाद मैंने सोचा नहीं, वी शुड गो राइट सर, हमको चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए हमें. सो और कितने दिन था, एक साल तो हो ही गया. ठीक है, हमने देख लिया, चलो अभी हाँ एक केयरिंग, टेक केयर ऑफ वॉट हेल्थ एंड एवरीथिंग, स्टाफ का केयर रखना, जो क्लाइंट आएंगे उनका केयर रखना, ये सब चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, दैट्स इट. उस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम, इट डजेंट मैटर, नो इशू. सो बट आगे बढ़ता चाहिए, कोई रुक ना जाओ, प्लीज़ आगे बढ़ते रहो. जी बोलिए. हम तो क्या बोलिए. नहीं, मेरा तो बस यही है, बस आगे बढ़े. मेरा तो हमेशा है सर, हाथ, सब कुछ मेरा, सब है इसके साथ में. ये बोलते हैं भगवान भगवान इनको सारी लक्ष्मी दे, फिर इनसे कैसे लेनी है मजा. मेरा तो सपोर्ट हमेशा रहा है उसको, जो करे, स्पोर्ट्स करे, सलून करे, मतलब जो एनीथिंग. आई एम ऑलवेज यस. पर्दे के पीछे के डायरेक्टर हैं ये. आई एम ऑलवेज यस, कभी ना नहीं बोलिए. खुश रहे, और रहती भी और रखती भी है दोनों. इंट्रोडक्शन. मैं हूँ अनुश्री दत्ता, मैं मॉडल एंड एक्ट्रेस हूँ. सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन जाना बोलना चाहती हूँ आपको. जैसे कि आपने बताया यहाँ के बहुत पॉजिटिव फील हो रही है, और मैं तो एक रेगुलर कस्टमर बन चुकी हूँ, और आप लोग भी आई कैक्स सैलून में, मुझे बहुत अच्छा फील हो रही है. हाय, मैं सरिता चौरसिया, फिल्म राइटर एंड बिजनेस मैनेजर हूँ. मैं मैम से आज से पहले मिल चुकी हूँ, और आज मिलकर उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ नया पार्लर खोलने के लिए. थैंक यू. और बता दूँ, कोविड के टाइम में, कोविड से जैसे हम ओवरकम हो रहे हैं, और ये नया पार्लर आया है, दैट मीन टू से न्यू अपॉर्चुनिटी, आपदा में अवसर है ये. मैम हाइजीनिक पर USP रखेंगी, और बहुत अच्छा क्लाइंट सेटिस्फेक्शन देंगी, और सर्विसेज तो बहुत अच्छी हैं. और हाँ, ये माना जाता है कि पार्लर लोगों को बाहर से सुंदर बनाता है, मगर जब आप मैडम के पार्लर में आएंगी, काक पार्लर में आएंगी, तो आप बाहर से सुंदर होने के साथ साथ अंदर से भी सुंदर होंगे, क्योंकि इनका ऑरा बहुत पॉजिटिव है. थैंक यू. हाँ, तो आपको मेंटल हीलिंग भी मिलेगी, मेंटल स्ट्रेस भी आपका बस्ट होगा, और आप बहुत सुंदर दिखेंगे. तो आई, और मैं तो रेगुलर कस्टमर हो चुकी हूँ स्पेशल डिस्काउंट के साथ. थैंक यू. थैंक यू. डॉक्टर. ओके ओके. ककाली मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मैं उसको 8-9 सालों से जानती हूँ, और आज इसका ये सलोन स्पा ओपनिंग पे आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर, एंड आई ऑलवेज विश द बेस्ट फॉर हर. मैं चाहती हूँ कि उसको बहुत सक्सेस मिले, वो बहुत प्रॉस्पर करे, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू विश हर ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड प्रोफेशनल लाइफ. कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन भाई यार क्यों के? जो मन में कह दो आज, और क्या? कहने को तो कुछ बहुत कुछ है, लेकिन यही कहूँगा कि जैसे लॉकडाउन हुआ ना, इन्होंने सैलून आपका, इनका पहले भी चल रहा था, इन्होंने बंद कर दिया. और हम कॉल पे कॉल कर रहे हैं कि कब खोल रहे हो. देखो मेरे अभी भी हेयर वैसे ही बड़े के बड़े रखे हैं मैंने. मैंने कहा आप खोलोगे तो हम आएंगे, उस हिसाब से फिर आप हमें जो भी अटैचिंग बनाना है, जैसे भी करना है, इनके सब ऊपर है. तो ये हमारे अच्छे फ्रेंड भी हैं, क्यूट से फ्रेंड, जो हमें क्यूट ही बनाएंगे. तो आप भी आना ज़रूर, आपको भी अच्छा लगेगा. आप बताइए. बोलो यार, मेरे को माइक में नहीं आते, बोलो. हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, एंड ये काफ़ी टाइम से अभी हमारे साथ डिस्कशन भी हो रहा था, और लॉकडाउन के बाद इन्होंने अपना एफर्ट पूरा डाला, इसको तैयार किया, और कहते ना वुमेन एम्पावरमेंट का जो ये चल रहा है,
उसमें इन्होंने अभी लॉकडाउन का सबसे पहला स्टेप ये लिया है, तो हमें भी बहुत खुशी हुई है और हमें खुद इनको देख करके काफ़ी ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है कि इन्होंने इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें डेवलप कर ली। तो हमारी तरफ से इनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ये सक्सेस करें और हम लोग को भी साथ में लेके चलें और हम भी इनके साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ें। आपको कितनी खुशी हो रही है? मेरे को तो मेरा घर का है, मेरे को बहुत खुशी है और बस